हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन के कोच में लगे वॉश बेसिन और टॉयलेट में पानी की सप्लाई कहां से और कैसे की जाती है। इस पूरी प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ट्रेन के कोच में पानी की सप्लाई किसी बड़े या मेजर स्टेशन से की जाती है। हर बड़े या मेजर स्टेशन पे पानी की बड़ी बड़ी टंकियां आपने जरूर देखे होंगे। इन टंकियों में पानी को स्टोर किया जाता है और इसे रेलवे ट्रैक के बीच में बने 4 इंच के डायमीटर वाले हेडर पाइपलाइन में सप्लाई की जाती है। इस हेडर पाइपलाइन से 2 इंच के फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट रहते हैं, जिसके द्वारा ट्रेन के कोच में रूफ के नीचे बने टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है। एक टैंक की कैपेसिटी नॉर्मल ISF कोच में 500 लीटर की होती है। दोस्तों, एक ट्रेन के कोच में दोनों साइड दो दो टॉयलेट होते हैं और हर का एक सेपरेट टैंक होता है। इस तरह से 500 लीटर के टोटल 4 टैंक होते हैं, तब टोटल मिलाकर एक कोच में 2000 लीटर पानी को स्टोर किया जा सकता है। इस 2000 लीटर के टैंक को भरने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जो कि डिपेंड करता है वाटर के प्रेशर के ऊपर। जब कोई ट्रेन अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे सोर्स स्टेशन से कोच के टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है, जिसे लोग टॉयलेट और वॉश बेसिन में यूज करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, मुझे लगा इसे एक वीडियो बनाकर बताना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।